अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नावल जो है निगारी के हवाले से प्रेमचंद के बारे में, इनकी हालात जिंदगी के ऊपर जो है हम आज जायजा लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेमचंद जो है इनके जो है जो पैदाइश वफात के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रेमचंद जो है सबसे पहले कहाँ पे जो है इन पे के बारे में हम बात करेंगे, ये कब पैदा हुए थे और कहाँ पे पैदा हुए थे। प्रेमचंद की पैदा जो है अगर हम बात करेंगे कहाँ कब पैदा हुए थे, तो 1880 ईस्वी में जो है ये पैदा हुए थे। कहाँ पे? बनारस में। बनारस के एक गांव लम्ही के करीब जो है ये पैदा हुए थे, बनारस में। आप याद रखेंगे प्रेमचंद जो है कहाँ पे पैदा हुए थे, तो बनारस में पैदा हुए थे 1880 ईस्वी में। बनारस के करीब जो है, बनारस के करीब लम्ही गांव में पैदा हुए, लम्ही गांव में। कहां पे? लम्ही गांव में पैदाइश जो है प्रेमचंद जो है 1880 ईस्वी में बनारस में पैदा हुए थे, लम्ही गांव में पैदा हुए थे। और इनका इंतकाल भी जो है बनारस में ही हुआ था। कब हुआ था प्रेमचंद का इंतकाल जो है, कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में जो है बनारस में ही ये वफात कर गए थे। कहां पे? बनारस में ही। बनारस में ही जो है ये पैदाइश, इनकी पैदाइश भी हुई थी और बनारस ही में जो है इनका इंतकाल भी हुआ था। 1880 में पैदा हुए थे और 1936 में जो है इनका इंतकाल बनारस में हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे इनका असल नाम क्या था। प्रेमचंद का असल नाम क्या था? दनपत राय था। क्या था? बहुत ही अहम है, आप याद रखेंगे प्रेमचंद का असल नाम था दनपत राय। ये किसका असल नाम था? प्रेमचंद का असल नाम था दनपत राय। और वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम, प्रेमचंद के जो वालिद थे उनका क्या नाम था? तो प्रेमचंद के वालिद का नाम था अजायब लाल, अजायब लाल, जो कि डाक खाने में मुलाजिम थे। क्या थे? डाक खाने में मुलाजिम थे। खुद इनका नाम था दनपत राय। अहम है, आप याद रखेंगे इस नाम को, प्रेमचंद के नाम को। और इनके वालिद का नाम भी आप याद रखेंगे, इनके वालिद का क्या नाम था? तो अजायब लाल जो है इनके वालिद का नाम था, जो डाक खाने में मुलाजिम थे। प्रेमचंद जो है अभी 8 साल के ही थे, तो उनके वालिदा का जो है इंतकाल हो गया था। 8 साल के ही जो थे प्रेमचंद, तो इनके वालदा का भी इंतकाल हो गया था। 8 साल के ही थे, यानी कि 8 बरस के थे जब इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। और उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद वालदा के इंतकाल के बाद इनकी परवरिश जो है किसने की थी? वालदा के इंतकाल के बाद इनकी परवरिश प्रेमचंद जो है, जब इनके 8 साल के थे तो उनकी इनकी वालदा जो है इंतकाल कर चुकी थी। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनकी वालदा के इंतकाल के बाद जो है इनकी परवरिश किसने की थी, तो इनकी परवरिश जो है दादी ने की थी, दादी ने की थी। इनकी परवरिश जो है दादी ने की थी। और उसके बाद दादी ने इनकी जो है परवरिश की थी और जल्द ही जो है उनका भी इंतकाल हो गया था। और प्रेमचंद की अगर हम इब्तदाई तालीम की बात करेंगे, इन्होंने जो है इब्तदाई तालीम कहाँ पे हासिल की थी? प्रेमचंद ने इब्तदाई तालीम अपने गांव यानी कि बनारस से हासिल की। प्रेमचंद जो है इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? तो अपने गांव से हासिल की थी, यानी कि बनारस से ही हासिल की थी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे इनके बारे में।
उसके बाद जो है प्रेमचंद ने उर्दू और फारसी, प्रेमचंद ने उर्दू और फारसी, उर्दू और फारसी की तालीम, उर्दू और फारसी की तालीम जो है हासिल करने के लिए, हासिल करने के बाद सॉरी प्रेमचंद जो है इन्होंने उर्दू और फारसी तालीम जो है उर्दू और फारसी की तालीम हासिल करने के बाद एंट्रेंस इम्तिहान भी पास किया था, एंट्रेंस इम्तिहान भी पास किया था। प्रेमचंद ने क्या किया था, एंट्रेंस इम्तिहान पास किया था उर्दू और फारसी की तालीम हासिल करने के बाद, और एक स्कूल में मुलाजिम हो गए थे, और एक स्कूल में मुलाजिम हो गए। कौन? प्रेमचंद। और मुलाजिमत के दौरान जो है भी एक डिग्री भी हासिल की, मुलाजिमत के दौरान ही जो है प्रेमचंद ने भी एक डिग्री भी हासिल की थी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुलाजमत के दौरान जो है प्रेमचंद ने कौन सी डिग्री हासिल की, तो मुलाजमत के दौरान जो है प्रेमचंद ने बीए की डिग्री हासिल की। और उसके बाद जो है मुलाजमत के दौरान जो है प्रेमचंद ने जो है बी ए की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद हम आगे देखेंगे उसके बाद जो है प्रेमचंद जो है प्रेमचंद को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था, बचपन से ही शौक था। प्रेमचंद को जो है बचपन से ही किसका शौक था, तो लिखने का बड़ा शौक था। और प्रेमचंद ने जो है नवाब राय के नाम से, इसको आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से, नवाब राय इनका असल नाम क्या था, धनपत राय इनका असल नाम था, और नवाब राय के नाम से, नवाब राय के नाम से कहानियां लिखना शुरू किया, कहानियां लिखना शुरू किया था। प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय, और नवाब राम के नवाब राय के नाम से जो है इन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। और इनकी कहानियां जो है, इनकी कहानियों का पहला, कहानियों का पहला मजमुआ, इनकी कहानियों का पहला मजमुआ उसका क्या नाम था, सोजे वतन, इसका नाम था सोजे वतन के नाम से ये कहानियों का पहला मजमुआ है। सोजे वतन इसके नाम से जो है 1908 ईस्वी में शाया किया, ये कब शाया हुआ, तो 1908 ईस्वी में। प्रेमचंद जो है नवाब राय के नाम से कहानियां लिखना शुरू किया था, और इनकी कहानियों का पहला मजमुआ क्या था, सोजे वतन था। और इसको कब शाया किया गया, तो 1908 में जो है इसे शाया किया गया था। प्रेमचंद ने इस किताब में यानी कि सोजे वतन में वतन, आजादी, दोस्ती, यहां लिख लेंगे वतन, आजादी, दोस्ती, बगावत, दोस्ती, बगावत के जज्बात थे। प्रेमचंद की जो है इस किताब में क्या क्या था, वतन, आजादी, दोस्ती, बगावत के जज्बात थे, इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने जो है इसे जब्त कर लिया था और बाद में इसे जला दिया गया। इसे अंग्रेजी हुकूमत ने जो है जब्त किया था और बाद में जो है इसे जला दिया गया था।
उसके बाद जो हम आगे देखेंगे, प्रेमचंद खुद जो है देहात के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। कहाँ पे पैदा हुए थे? गरीब घराने में पैदा हुए थे, देहात के एक गरीब घराने में। किसमें? गरीब घराने में पैदा हुए थे। कौन? प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है खुद देहाती जो है देहात की एक गरीब घराने में पैदा हुए थे, जिसकी वजह से जो है अगर हम बात करेंगे प्रेमचंद को जो है देहाती जिंदगी की परेशानियां और तकलीफों का जाती तजुर्बा था। इसको इसलिए तजुर्बा था इनसे जो है इनकी तकलीफों से और जो है जाती परेशानियों से, क्योंकि ये खुद जो है देहात के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। और शायद यही वजह थी कि प्रेमचंद ने जो है आवामी जिंदगी को अपना मौजू बनाया, आवामी जिंदगी को जो है इन्होंने अपना मौजू बनाया। किसने? देहाती जिंदगी को किसने मौजू बनाया? तो प्रेमचंद ने मौजू बनाया, अपने नावलों और अफसानों में आवामी जिंदगी के नक्शे खींचे हैं प्रेमचंद ने। उसके बाद हम आगे देखेंगे, प्रेमचंद जो है इनका पहला नावल, प्रेमचंद का पहला नावल असरारे मोहब्बत ये जो है प्रेमचंद का पहला क्या है, नावल है, जो कि बनारस के एक हफ्तावार जिसका नाम था आवाज़े खलक में 1903 से किस्तवार शाया होना शुरू हुआ था। प्रेमचंद का पहला नावल जिसका नाम था असरारे मोहब्बत, उनकी कहानियों का पहला मजमूआ कौन सा था? सोजे वतन था। और असरारे मोहब्बत जो है इनका पहला नावल है, जो कि बनारस के एक हफ्तावार जिसका नाम था आवाज़े खलक में 1903 इसमें जो है किस्तवार शाया होना शुरू हुआ था। उसके बाद हम आगे देखेंगे, अगली क्लास में जो हम प्रेमचंद की कारनामे देखेंगे, इनकी अदबी जिंदगी जो है का जायजा लेंगे हम अगली क्लास में। और उसके बाद प्रेमचंद जो है प्रेमचंद सरस्वती प्रेस प्रेमचंद जो है अगर हम बात करेंगे प्रेमचंद जो है सरस्वती प्रेस से रिसाला जारी किए थे, जिसका क्या नाम था? हंस। जिसका नाम था हंस, इम्पोर्टेंट है, अब याद रखेंगे इसे। प्रेमचंद जो है सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस, जो कि हिंदी में 1930 ईस्वी में जारी किया था। प्रेमचंद सरस्वती प्रेस से रिसाला हिंदी में निकाले थे, जिसका क्या नाम था? हंस जो है इसका नाम था, जो कब जारी किया गया? तो 1930 ईस्वी में जो है इसे जारी किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे प्रेमचंद की कहानी, प्रेमचंद की कहानी प्रेमचंद की कहानी कफन इनका अफसाना है। कफन का अंग्रेजी में किसने तर्जमा किया? तो अहमद अली ने तर्जमा किया, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
प्रेमचंद की कहानी यानी कि प्रेमचंद की अफसाना जिसका नाम था कफन बहुत ही मशहूर है, प्रेमचंद का अफसाना। कफन का अंग्रेजी में किसने तर्जुमा किया था? तो अहमद अली ने जो है इसका तर्जुमा किया था। उसके बाद हम देखेंगे प्रेमचंद की कहानियों में जो है, प्रेमचंद की कहानियों में प्रेमचंद की कहानियों में जहद आजादी, प्रेमचंद की कहानी में जो है क्या तारीख मिलती है हमें? तो जहद आजादी की तारीख मिलती है, तारीख मिलती है। प्रेमचंद की जो है इनका अफसाना जो कफन था इसका अंग्रेजी में अहमद अली ने तर्जुमा किया था, और उसके बाद इनकी कहानियों में जो है जहद आजादी की तारीख हमें मिलती है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रेमचंद के नाम से जो है इनकी पहली कहानी जो है जिसका क्या नाम था? बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी जिसका नाम था, ये क्या है? प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी है, ये पहली कहानी है जिसका नाम था बड़े घर की बेटी। ये जो है दिसंबर 1910 में शाया हुई। बड़े घर की बेटी पहला क्या है, पहली सॉरी कहानी है, पहली कहानी है बड़े घर की बेटी, जो कि 1910 दिसंबर 1910 ईस्वी में शाया हुई थी। और प्रेमचंद जो है अंजुमन तरक्की पसंद मुसनफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत भी की थी, और वो सदारत कहाँ पे की थी? तो लखनऊ में की थी, इसको भी याद रखेंगे। प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसनफीन प्रेमचंद ने तरक्की पसंद मुसनफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत की, पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत की, और वो कहां पे सदारत की? लखनऊ में। लखनऊ में कब? तो 1936 में की थी। इसी साल जो है इनका इंतकाल भी हुआ था, प्रेमचंद का जो है इसी साल 1936 में जो है इंतकाल हुआ था। उसके बाद हम आगे देखेंगे प्रेमचंद ने हफ्तवार अखबार जिसका क्या नाम था? जागरण, जिसका जागरण नाम था, जागरण बनारस से 1931 ईस्वी में जारी किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी प्रेमचंद के हवाले से, इनके हालात जिंदगी के हवाले से जो है इनके कारनामे हैं। कल की क्लास में हम इंशाल्लाह जो है इनके कारनामे, इनके अदबी खिदमात का जायजा अच्छे से हम लेंगे। तो ये जो है प्रेमचंद ने हफ्तेवार अखबार जिसका नाम था जागरण बनारस से जारी किया था, कब? तो 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में से जारी किया गया था।